हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप लोग को मालूम होगा कि मैं पिछले 1.5 मंथ से इंडिया में था, वैकेशन पे गया था। इंडिया में काफ़ी मज़ा आया, घूमे फिरे, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किए। तो उतना एक्टिवली मैं पिछले कई महीनों से मतलब वीडियो बना नहीं पा रहा हूँ। तो कल मैं लंदन वापस आ गया और इधर आके अभी बहुत लोनली फील हो रहा था घर पे अकेले। तो घर के बगल का जो पार्क है, अभी उस पार्क में आया हूँ, तो सोचा कि चलो आप लोग से थोड़ा बात करते हैं। तो यही है, तो मैं लंदन आने से पहले जो मेरा फ्लाइट था वो भुवनेश्वर से दिल्ली, दिल्ली में काफ़ी टाइम था मेरे पास, करीब 6-7 घंटे। तो दिल्ली में बीच में घूमा जाके मैं, एक तो जो दिल्ली का फेमस है कोनॉट प्लेस, वहाँ पे जाके घूमा। उसके बाद बहुत सारा वीडियो वगैरह लिया हूँ एयरपोर्ट का, दिल्ली और लंदन का, तो वो बहुत बिट्स एंड पीसेस में है, तो उतना अच्छे से वीडियो अभी मैं बना नहीं पा रहा था। तो अब मैं वापस आ गया हूँ, तो यही इन्फॉर्मेशन देना था आप लोगों को। तो आप लोग बताइए, अब वापस आया हूँ तो इधर का मौसम भी काफ़ी अच्छा है। अभी देखा जाए तो अभी दिन में टेम्परेचर मोस्टली 12-13 डिग्री के बीच होता है और रात को मिनिमम जो होता है वो 6-8 के बीच में है। तो ज़्यादा ठंड नहीं है, लेकिन जैसा कि आपको पहले ही बताए थे कि इधर अगर धूप हो रहा है, जैसे कि आज पूरा धूप है, अभी शाम हो गया, इधर 5 बजने को आया और अभी तक इधर धूप है। तो धूप में क्या होता है ना कि ठंड ज़्यादा होता है इधर। तो अभी इंडिया में भी उतना ठंड नहीं था जब मैं इंडिया में था, तो इसलिए थोड़ा केयरफुल हैं। अब कल से ऑफिस भी स्टार्ट हो रहा है, अभी ऑफिस जाने के बाद पता चलेगा कि ऑफिस का क्या सिचुएशन है, कितना सारा काम पेंडिंग होगा। बहुत सारा काफ़ी टाइम वर्क फ्रॉम होम भी किए थे इंडिया से, बट वर्क फ्रॉम होम में उतना काम हो नहीं पाता है। तो कल से स्टार्ट, तो ऑफिस में भी देखना होगा कि कितना ज़्यादा काम है ऑफिस का। वैसे एक चीज़ का थैंक यू बोलना चाहेंगे आप लोगों को, उतना अच्छे से मैं वीडियो बना नहीं पाता हूँ, फिर भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है आप लोगों का, तो उसके लिए रियली थैंक यू। आगे से जो मैं वीडियो बनाऊँगा उसमें मैं पूरा कोशिश करूँगा कि जितना ज़्यादा अच्छे से हो सके, जितना हो सके मैं बनाऊँगा। वैसे तो देखा जाए तो इतना सारा ऑफिस का काम के बाद वीडियो तो बना लेते हैं, लेकिन वीडियो का एडिटिंग करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि वीडियो एडिटिंग में अभी उतना एक्सपीरियंस है नहीं। तो इसीलिए बहुत बार वीडियो होने के बावजूद भी उसको एडिट नहीं कर पाते हैं, तो उसको अपलोड भी नहीं कर पाते हैं। और एक ज़्यादा प्रॉब्लम ये भी हो रहा है कि वीडियो बनाते हैं और अगर उसमें कुछ बैकग्राउंड म्यूजिक वगैरह डालते हैं तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ कॉपीराइट क्लेम आ जा रहा है। तो उस चक्कर में भी बहुत सारे वीडियो में कॉपीराइट क्लेम आया हुआ है, तो वो समझ में नहीं आ रहा है कि उसको कैसे डील करना है। तो इसीलिए अभी सोचे हैं कि अब जो वीडियो बनाएंगे उसको बस नॉर्मल एडिटिंग करना है, ज़्यादा कुछ। मेरा मकसद है आप लोगों तक अपना जो जर्नी है वो शेयर करना, इधर के बारे में आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बताना, लंदन का लाइफस्टाइल, यहाँ पे कैसे लोग जीते हैं, यहाँ का क्या कल्चर है। तो मेरा मेन एजेंडा ये है, तो उतना वीडियो में उस तरह का एडिटिंग मैं कर भी नहीं पाऊँगा और मुझे लगता भी नहीं है कि इतना सारा एडिटिंग करने का ज़रूरत है। तो इसलिए मैं सोचा हूँ कि आपसे जो भी वीडियो बनाऊँगा उसको जितना ज़्यादा हो सकेगा मतलब नॉर्मल और सिंपल रखने का कोशिश करूँगा, और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, ताकि आप लोगों जो भी हैं, आप लोग जुड़े हुए हैं, उनको अच्छे तरीके से इधर का इन्फॉर्मेशन पता चले। और
मेरे पास माइक नहीं था प्रॉपर, तो आज मैं माइक भी ऑर्डर किया हूँ। तो आवाज़ में बहुत सारा कंप्लेन था, बहुत सारे लोग जो हैं वो बोल रहे थे कि आवाज़ अच्छे से नहीं जाता है। तो अब से जो वीडियो डालूँगा उसमें प्रॉपरली आवाज़ डालने का ट्राई करूँगा। तो यही सब डिटेल है, बाकी आप लोग चाहें तो मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। तो मिलते रहेंगे आपसे और देखते हैं कितना ज़्यादा हो सके, क्योंकि अब मौसम भी अच्छा हो गया है। तो उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप लोग के साथ शेयर कर पाऊँगा। और अभी घर से भी घूम के आए हैं तो माइंड थोड़ा रिलैक्स हो गया है, थोड़ा मतलब मिसिंग लग रहा है घर से आने के बाद, बट इट्स ओके। मतलब वो बोलते हैं ना, रिचार्ज हो गया है माइंड। तो अब आराम से 3-4 महीने इधर घूमेंगे फिरेंगे, आप लोगों को बहुत सारा चीज़ दिखाएंगे, उसके बाद फिर ज़रूरत पड़ेगा तो घर जाएंगे, घूम के आएंगे। तो कुछ दिनों तक ऐसा ही जर्नी चलेगा, 5-6 महीने बाद जब प्लान ये है कि जब फैमिली को इधर ले कर आएंगे तो पूरा फैमिली के साथ आप लोगों को इधर का जो फैमिली वाला जो लाइफ कल्चर होता है, लाइफस्टाइल होता है, उसके बारे में भी आप लोग को बताएंगे। और भी बहुत सारा वीडियो बनाने का सोचे हैं, पिछले बार भी सोचे थे वो बना नहीं पाए। मेरे दिमाग में है कि मैं कोशिश करूँगा कि मैं यहाँ का जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है, यहाँ रहने में क्या खर्च है, वीज़ा का क्या प्रोसेस है, टिकट वगैरह का क्या प्राइसिंग है, घर का जो लिविंग हो उसका क्या कॉस्ट है, वीज़ा कैसे अप्लाई करते हैं, इन सब चीज़ों पे भी वीडियो बनाऊंगा। प्लस अभी बहुत सारा ट्रैकिंग का यहाँ पे है, जो क्योंकि बारिश होते रहता था, ठंड इतना ज़्यादा था तो मैं जा नहीं पा रहा था, लेकिन अब बहुत सारा ट्रैकिंग है और हमको ट्रैकिंग का बहुत शौक़ है। तो आने वाले टाइम में आप बहुत सारा ट्रैकिंग का भी वीडियो देखेंगे। तो थैंक यू, इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए, वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी जानते हैं उनको बोलिए चैनल को सब्सक्राइब करने, क्योंकि काफ़ी सारा व्यू आ रहा है वीडियो में, बट जो सब्सक्राइब का जो सब्सक्राइबर है वो ज़्यादा मोस्टली लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह से साथ देते रहिए। आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो बना के आप लोग के साथ शेयर करने का कोशिश करूँगा। तो आज के लिए थैंक यू, बाय बाय, जल्दी मिलेंगे आप लोगों से।